भाई साहब आप लोग बिरादरी से कटे हुए हैं क्या? आप तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे दो गो औरत आपस में लड़ रही थी, एक करी बूद एक करी जुमरात। उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझते हैं आप लोग? यही तो तू समझबे करता, उर्दू समझता है का? आजकल लोग बीवी को बीवी नहीं बोलेगा, वाइफ भलाइयो उससे बोला जाए पाइप। अब बीवियों कम थोड़ी है, वो भी शवर को शवर नहीं हस्बैंड, चाहे बजावे सुबह शाम उसका बैंड। और सुन लीजिए एक बात और आपको बताता हूँ, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए तब, ऐसे नहीं जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कुछ पीर साहब है, मैंने शेरे नेपाल अलैहि रहमतो व रिदवान को के एक शागिर्द हैं जिनका नाम मुनाजरे अहले सुन्नत फकीहुल असर हजरत अल्लामा इदरीस रजा शेखुल इस्लाम मंजरे इस्लाम बरेली शरीफ 12 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर के बड़े भाई है, मौलाना अबुल मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी के दर्शी साथी हनफिया में। वो कह रहे थे कि हुजूर शेरे नेपाल महरेरा में है। अब देखो भाई, महरेरा के आका के नाम का जलसा है, और मैं चाहता हूं कि आपको महरेरा पहुंचा दूं, ताकि महरेरा वाले सरकार अपनी चादर डाल दे तो आप मदीना पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह। सरकार शेरे नेपाल महरेरा में है, उस वक्त हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम काजी साहब, तवज्जो, अल्लामा शफीक साहब। अरे हम तो जानते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ये वो खतीब है जो पूरी दुनिया में खिताबत करता है, और इस नेहत से खिताबत करता है कि याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। सुभान अल्लाह। मेरे बाद उनकी भी धुआंधार तकरीर होनी है, लेकिन मजमा धुआंधार नहीं है, मजमा आधा भाग गया हुआ। या अल्लाह जितने लोग बैठे हैं उनको बैठने की तौफीक दे दे। अच्छी दुआ कर रहा हूँ ना, तो आप लोग सुभान अल्लाह भी तो बोलते रहिए बीच बीच में। सुभान अल्लाह। हुजूर शेरे नेपाल महरेरा में है, अल्लामा अरशदुल कादरी है, ये मैं नहीं कहता, जाके जिसको यकीन नहीं हो नंबर नोट करो 9839161784, जो मेरे बड़े भाई का नंबर है, फुल लगा के पूछो उनसे, वो बता रहे थे जब शेरे नेपाल का इंतकाल हुआ, और मैं अभी प्रोग्राम में कन्नौज गया था, जो फरकाबाद से कट के जिला कन्नौज बना है, उन्होंने कहा मौलाना तुमने शेरे नेपाल को नहीं समझा। हमने कहा आप समझे तो बताइए। कहा जन्नत जिस वक्त वाल जामियतुल अशरफिया में जेरे तालीम था, हुजूर शेरे नेपाल महरेरा आए और मैं भी महरेरा पहुंचा, तो वहां एक ऐलान हुआ, और वो ऐलान क्या था कि महरेरा में एक मस्जिद की बुनियाद डालनी है। अब वहां पर ये शर्त था कि आप विजय मिल्लत भी है, मुजाहिद मिल्लत भी है, सरकार बदरुल उलमा भी है, सरकार सिराज मिल्लत भी है, लेकिन सरकार सैयदुल उलमा ने ये नारा बुलंद फरमाया कि जिसके फजर की नमाज कजा नहीं है, वही फजर की नमाज के बाद वो आदमी मस्जिद की बुनियाद डालेगा। सारे उलमा खामोश है, मुजाहिद मिल्लत सोच रहे हैं हाफिज मिल्लत बढ़ेंगे, हाफिज मिल्लत सोच रहे हैं मुजाहिद मिल्लत बढ़ेंगे, मुजाहिद मिल्लत सोच रहे हैं मुफ्ती आजम बढ़ेंगे, मुफ्ती आजम सोच रहे हैं बदरुल उलमा बढ़ेंगे, बदरुल उलमा सोच रहे हैं अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर बढ़ेंगे, अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर सोच रहे हैं अल्लामा अरशदुल कादरी बढ़ेंगे। लेकिन इसी शेर नेपाल उसी नेपाल का बेटा सरकार जैसे मिल्लत करे हुए और अर्ज किया सरकार मैंने जिंदगी का मुहासबा किया, तब से नमाज फर्ज हुई है, मेरे फजर की नमाज कजा नहीं, इतना कहना था सरकार सैयदुल उलमा ने अपने सीने से लगा करके पेशानी चूम कर फरमाया जिस पीर का मुरीद ऐसा है यकीनन उसका मुफीर भी आला होगा। तकबीर नारे तकबीर, सारा मजमा हाथ उठा और हाथ को बामिल हरे, नारे तकबीर नारे रसालत नारे रसालत, मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शेर नेपाल फैजाने हुजूर शेर नेपाल, सजादे हुजूर शेर नेपाल, नारे तकबीर नारे रसालत। ऐसे ही लोगों के बारे में भागवत गीता में आया है, सत्यम निनास्ते परम विदानास्तो गुरु निनानास्तम कंचिना दो दशायस्तम ब्रह्महे दिशंता। ए लोगों, संसार में वो मानव जाति से समझौता करेगा, लेकिन मोहब्बत की बात आएगी तो मोहब्बत दे देगा, माल की बात आएगी माल दे देगा, लेकिन नबी की अजमत पर आंच आएगी वो जान दे देगा, अजमत मुस्तफा नहीं देगा। वही है शेरे नेपाल, वही है। तकरीर अच्छी लग रही है तो हम खराब कब बोले?
अरे हम अच्छे तुम अच्छे, हम जिन बुजुर्गों को मानते वो भी अच्छे। बोलो शेरे नेपाल अच्छे है ना, अल्लामा जिया साहब अच्छे है ना, अल्लामा मुफ्ती अशरफ साहब अच्छे है ना, अनाउंसर साहब तो सुपर अच्छे हैं। जब हमारे उलमा इतने अच्छे हैं तो हमारे औलिया का आलम क्या होगा। गौसे आजम भी अच्छे हैं, इमाम आजम भी अच्छे हैं, जब औलिया इतने अच्छे हैं तो नबियों का आलम क्या होगा। हजरत आदम भी अच्छे हैं, हजरत शीश भी अच्छे हैं, हजरत दानियाल भी अच्छे हैं। मैंने अल्लामा अशरफ अल्लामा शफीक से कहा, ए हुजूर जब सब अच्छे हैं तो अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है। तो अल्लामा अशरफ वही बोले जो बरेली के अहमद रजा बोल रहे हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुन लीजिए सुभान अल्लाह बोलिए। हमको 50% मिला है तो शायद सबको तकलीफ हो रही होगी कि हमारे पास क्या बचेगा। अरे ये सब सदका। सुनिए हुजूर शेरे नेपाल, जोर से बोलिए, शेरे नेपाल का जनाजा चला अल्लामा अशरफ, तो लोग बोल रहे थे 200,000 मजमा नहीं होगा। हमने कहा मुंह आईना में देखा है रे, जिंदगी में कभी बाल नहीं ठीक किया है तो तू शेरे नेपाल को क्या ठीक करेगा। शेरे नेपाल के जनाजे में उलमा का कहना ये था 4 लाख, फुकहा का कहना ये था 6 लाख, और यहाँ के रिपोर्टर एटलीजन वालों ने बताया 7 लाख। मैंने कहा अल्लामा अशरफ से हजरत एक मसला बताइए, इन्होंने कहा बोलो क्या बात है। हमने कहा मेरे दोस्त ये बताइए कि मुस्तफा ने फरमाया है 40 लोगों में 40 मर्दों में 40 मोमिनों में एक अल्लाह का वली है। हम शेरे नेपाल के जनाजे में इतने लोग हैं तो इसमें कितना वली है। मुमकिन है शेरे नेपाल से कोई आला मकाम वाला होगा, अफजल मकाम वाला होगा, ताकत कुवत वाला होगा। तब अल्लामा अशरफ ने कहा आपको मौलाना नहीं मालूम है क्या, अगर शेरे नेपाल से आला तो शेरे नेपाल का दर्जा बढ़ गया, और अगर शेरे नेपाल से नीचे तो सबका दर्जा बढ़ गया। हमने काम गुनहगारों का क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कयामत में अमाल काम आए ना आए, शेरे नेपाल की मोहब्बत काम आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को मुफ्ती आजम कहते हैं, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। ज्यादा हंसाते हैं तो मौली साहब से कोई बड़ हंसो भी, तकरीरें नहीं नीमन करी। आज जब नीमन तकरीर कर ची तो सुभान अल्लाह नहीं बोझी, आ नहीं बोझी वही चलते तुम सब एक तकलीफ दे ले चाहो नहीं हो। तू सब बारात जाए चाहो तो लड़का के बाप जाई स्कॉर्पियो से, ये लेल के बाप जन्म में कहियो चढ़ल ना है। चचा जा तो टवेरा से, फूफा जा तो अल्टो कार से, आसगरे मामा आसमी का तो हम भी जाएंगे बारात, आज प्रोग्राम नहीं है। तो लड़का का बाप बोलते हो मौली साहब टूटल का जीप में बैठने जाते सब, यानी सबसे पूर्वक मुलिया साहब है। तुमने हदीस पढ़ी है और पढ़ी तो समझी नहीं। शरे मिश्कात की शरा मिरकात में अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, जो दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठेगा कल कयामत में अपने मुस्तफा की सोहबत में बैठेगा। गोया पता चला जिससे आलिम राजी है उससे अल्लाह राजी है, उससे नबी राजी है। ए लोगो इनसे मोहब्बत करो, ये तेरे लिए यहाँ भी बख्शिश का जरिया है और कयामत में जन्नत में ले जाने का जरिया है। वाह वाह वाह। और सुन लीजिए उसके बाद तकरीर खत्म करेंगे क्या या अल्लाह, बुढ़वा सबके जवानी आई गल हो। हाँ लेकिन एक बात सुन ला, एको को बुढ़वा जन्नत में जाती होती ना, अब कल लाठी लेके काजी मोहतरी को खोले आलू कहा मौली साहब तू अपन मोटरसाइकिल तनका बंद कराते, रात भर जलसा में हम बैठली कैला हो, जन्नत में जाला। सुनिए मुस्तफा जिसे चाहते हैं पूरी कायनात उसे चाहती है। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, हम तो कम पढ़े लिखे मौली जावे, ये लोग ज्यादा हम इन्हीं लोगों से सुन के तकरीर याद करते। हुजूर शेरे नेपाल मदीने में है, अब फातिया कहाँ पढ़ रहे हैं जिसके बारे में अल्लामा सरकार आसिफिया फरमाते हैं। सुभान अल्लाह बोलिए तब, इतना धीरे से तो हम अपना शेर नहीं सुना देंगे। आसिफिया फरमाते नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर। हजरत एक बार आप तो मुस्कुराइए सुभान अल्लाह बोले। हजरत देखिए आप एक बात याद रखिएगा, जब अल्लाह कौम से राजी होता है ना तो अच्छे बादशाह का इंतखाब करता है। हमारे मुल्क में क्या हो गया हुआ है, हम तो तकरीर में कह रहे हैं मौली साहब सब तैयार रहिए जाम चिश्ती की तरह तैयार रहिए, शहादत पीने के लिए गेहूं के साथ गनहरुआ पिसाइबे करिए तुम सब।
लेकिन क्या समझ रहे, हिंदुस्तान गरीब नवाज का मुल्क है। मुस्तफा ने भेजा था तो कहा था तुम सुल्तानुल हिंद हो, तो जब तक के गुलाम गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान रहेंगे इंशाल्लाह सुन्नी मुसलमान रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर तो इंडिया में आजकल खूब नारा लगता है, और आप लोगों को क्या कम पावर मिला है? वहां मुस्तफा ने भेजकर गरीब नवाज दिया है, तो यहाँ सैयदुल उलमा ने भेजकर आपको शेरे नेपाल दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ हजरत, एक बात हमारी जहन में आ रही थी, भूल गए, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो याद आ जाए, इतना धीरे से तो नहीं होगा, और जोर से बोलिए ना भाई, याद आ। पटना सब्जी बाग में मुनाजरा है, हुजूर शेरे नेपाल पहुंचे, अल्लामा अरशद मुनाजरे के लिए खड़े हुए, और जैसे ही शेरे नेपाल स्टेज पर जाने लगे तो अल्लामा अरशद कहते ए तुम जानते हो कौन आया? लोगों ने कहा हजरत कौन आया? कब वो आ गया है कि जो जलसे में बैठ जाता है तो गुलाम मुनाजरा जीत जाता है। लोगों ने पूछा हजरत वो कौन है? का आने वाला शेरे नेपाल है, मुफ्ती जैश है। कहा के हजरत आपसे बड़े है? कहा अरे बड़े तो छोड़ो छोड़ो, इन्हें देखकर जब मेरे उस्ताद हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने फरमाया जब जैसे उनके सर पे इमामा बांधा जा रहा है, मौती से आजम खड़े है, हाथ में इमामा है, हाफिज़े मिल्लत ने कहा मुकद्दमतुल जैश आइए, तो हाफिज़े मिल्लत से मौती से आजम ने कहा इतना बड़ा जुमला आपने कहा, तो हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते है नेपाल वालों को हुकूमत पे नाज है और हाफिज़े मिल्लत को शेरे नेपाल पे नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फजाने हुजूर शेरे नेपाल, सरकार नज़मी मियां कॉन्फ्रेंस, साहिब सजादा अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा अज़हरी। और एक बात सुनिए, मदीना जोर से उलमा से पूछिए, सरकार फरमाते जो मदीने में गया तकलीफ हुई वो सब्र किया बुराई ना किया तो कल कयामत में मोहम्मद हाथ पकड़ के साथ में जन्नत मिले जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आज कुछ हाजी साहब जो ऐसे हैं जो हज करने गए तो हज कम करते हैं, सोना का बिस्कुट खरीदते हैं। ऐसे ही के बारे में मेरे उस्ताद अल्लामा ताहिरुल कादरी मिसवाई कहते थे, हाजी गए जो हज को फसले खरीफ में, ईमान लटक के रह गया काबे शरीफ में। ये कौन हाजी है? हाजी दुम दुम, एक मीटर वाला दुम दुम, हाजी दुम दुम। और याद रखिएगा अल्लामा अब्दुल हक फरमाते हैं जो बंदा हज करके आया और चेहरे से हज जाहिर यानी नूरानियत जाहिर हो, समझ लो कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह सुभान। अब एक बात और याद आई, सुभान अल्लाह बोलिए जोर से, सुभान अल्लाह। इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावे, सुभान अल्लाह। सुनिए, हुजूर शेरे नेपाल मदीने में है, उनके साथ लहान के कोई हाजी यूनुस है, बंबई के ना, ये मैंने जिनसे सुना है उनका नाम खलीफा है शेरे नेपाल, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी मिसबाही, मोहतमिम दारुल उलूम अनवारे रजा मोतीगिर परसा। मोबाइल नंबर भी दे देते, जेके पेट में दर्द होता है ना कि करामत कहाँ से आया, तो नंबर लगा के देखना नहीं। यानी एक बाप दादा, आजकल कोई पीरो साहब ऐसे है हजरत कि जब सलाम करने जाइएगा तो हाथ नहीं चूमिएगा तो जबरदस्ती मुंह में घुसावेगा, जो पीर साहब ऐसा करे उसको दांत काट लीजिए, पक्का बोला, जो पीर साहब ऐसा करे उसको दांत काट लीजिए। पीर साहब बोले रे काय काटा, कहेगा हुजूर एक बात बताइए आपका हाथ रात भर बैठ के चूमे है कुछ मिलेगा? पीर साहब बोलेंगे चूमना तेरा काम है, जन्नत देना रब का काम है, लेकिन जिस आला हजरत का नारा तुम लगाते हो, अल्लामा अशरफ लगाते हो, मुनाजिर अहले सुन्नत खतीब एशिया वयूर अल्लामा शफीक शमशी लगाते हैं, उसी आला हजरत की किताब एहकाम शरीयत में है, आला हजरत फरमाते हैं जो बेटा जुमरात को अपने माँ बाप की कब्र देखता है अल्लाह उसको हज का सवाब अता फरमाता है। मुसलमानों अपने पीर से भी मोहब्बत करो, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा अपने मुस्तफा से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर शेरे नेपाल मदीने में आए हैं, आप सोचिएगा खाली मदीने में घुसो बुलवे ना करो,
ये इतना पैसा 3 लाख लगता है तब लोग मदीना जाता है। जैसे कि हुजूर सरकार मुफ्ती आजम के पास एगो मुरीद आया होने के लिए, कहा हुजूर हमको मुरीद कर लीजिए। हजरत ने कहा ठीक है, कहा पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल जो पीर साहब पढ़ाते हैं, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा अज़हरी जो पढ़ाते हैं, अपने मुरीद को पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? तो हजरत ने फरमाया कहो आज से झूठ नहीं बोलेंगे। कहा हुजूर ये तो कन्फर्म है कि नहीं बोलेंगे। तब हजरत ने हाथ दिया, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा हमको बेवकूफ समझते, जब बोले नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, अरे कहो ना। उसे क्या मालूम था कि ये बरेली का मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, नहीं बोले। हाँ हजरत ने फरमाया कहो अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा हुजूर ये नहीं होगा। तब मुफ्ती आजम ने अपने तो कांधे से रुमाल निकाला और उसके चेहरे पे डाला। थोड़ी देर के बाद चादर खींची गई, वो आदमी या गौसे आजम कह रहा है। लोगों ने पूछा क्या कह रहा है? कहा मैंने देखा है कि हाथ मुफ्ती आजम का है और जलवा गौसे आजम का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ जब बरेली का मुस्तफा ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा? मदीने का मुस्तफा कैसा है उठाइए। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पढ़े। बोलो भाई पढ़े। तो एक बात शेरे नेपाल की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलिए। आप लोग मुंह काय ढके हुए हैं भाई? अरे औरतों के लिए पर्दा, मर्द के लिए पर्दा कब से है भाई? आजकल जुमा के दिन मर्द पर्दा कितना मुंह झाप लेते हैं और टखना खोल के सतरे औरत खोल के चड्डी पहन के कल पे नहाता और लुंगी पहन के मशीन में चला जाएगा। अल्लाहू अकबर, इमाम साहब पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गुटुर गुटुर देख रहा है पार्ले जी को। और जैसे इमाम साहब ने कहा सलाम वालेकुम, दुगो पार्ले जी जेब में। सही बोल रहा हूँ जुमा के दिन। इमाम साहब बोले रे ये का है रे? अरे मौल साहब तुरा रहे हुए के मन हो कि ना? अरे तो चुराया तू बोले हम तो तू हम ही को हटाता है। ताज्जुब है इस बात की। कहीं से झगड़ा हो तो बीबी से भी नहीं जीत पाएगा, जाके इमाम साहब को दू लोल मारे। सुबह पहुंच गया इमाम साहब, लोटा उल्टा कैला धैले हो? अबे तो हम नमाज पर आवे ला कि लोटा सीधा करे राय बताइए। आप लोग इमाम को भगा भगा देते तो कहीं झगड़ा हो तो इमाम पर। सुनिए ऋग्वेद का मंत्र है, कृष्णी अवतारे आरतम परतम पृथ्वी माध्यम पुरुषयारतम परणम सोनम लम्या लम्बस्वनम तुभस्मावीर महावीरम पुवरम परारम परादीपम अमिदीपितुष्परी मध्यमर्तियाश्रीयवाजनी मंगलविदातनम शिवरायम सत्यम ब्रह्मपदम महानास्त तवायस्तम गुरुस्यातुता तवायनास्तम पुरम ब्रह्मव्यायस्ति तवारायम सोमपति विष्णुए गुरुपाम सुहाहा। मोहब्बत रसूल में बोल दो सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा लोगों संसार में बड़े बड़े बलवान आए लेकिन दो बलवान का जवाब नहीं। मैंने कहा कौन? कहा मेरी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा किताब और ग्रंथ का क्या नाम? कहा तुलसीदास ने लिखा कि जिस वक्त राजा जनक ने अपने पुत्री सीता का विवाह करना चाहा, उसने प्रश्न डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मांग में सिंदूर डालेगा। सारे पंडित खामोश है, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामचंद्र जी आगे बढ़े और धनुष को उठाया, उठाने के बाद तोड़ा। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी है। कि जब लंका में लड़ाई हुई, लंका में युद्ध हुआ, लंका में झगड़ा हुआ, रावण ने तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। रामचंद्र जी बोले है कोई मेरा शिव जो मेरे भाई की आत्मा को बचा ले, है कोई मेरा भगत जो मेरे भाई के प्राण को बचा ले। तो हिंदू धर्म अनुसार बजरंग बली हनुमान खड़े हुए, कहा महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बालक हूँ, आप आज्ञा करें, आपके आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले जाओ लंका से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाया। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी है। मैंने कहा वह कैसे? तो कुछ लोगों ने कहा धनुष को तोड़ा तो रामचंद्र जी बलवान हुए, पहाड़ उठा के लाया तो हनुमान चंद्र जी बलवान हुए। लेकिन ए मुसलमान हो तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है कि कोई धनुष तोड़ा तो बलवान हुआ, कोई पहाड़ उठाया तो बलवान हुआ, लेकिन
तेरा रसूल जमीन पे चला है और उंगली का इशारा किया है तो आकाश को चंद्रमा को तोड़ दिया है। गोया पता चला इस जमीन पर अगर कोई बलवान है तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारा लगाओ तो एक हदीस सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। शायर के बेर में कहत रहे नारे तकबीर, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन ये पसीना कयामत में काम आ जाए। सुबह में हम समझ रहे हैं, हमको एक बात याद आई ना, आप जब कहिए रहे तो सुन लीजिए ना, एगो पीर साहब गए देहात में, कहाँ गए, ये तो शहर ना है भाई, देहात किसको कहते हैं जहां एक को कतरा पानी न मिले। जैसे हमारे बगल में तीन दिन जलसा हुआ कनवा में, आ किसका हुआ समझ गए, अरे समझ ला, एक मीटर में कुर्ता पजामा दोनों आ टोपी मच्छर जाल वाला। हम अपने नोचा चौक पर खड़े थे तो यूपी 33 रायबरेली का नंबर, पूरी गाड़ी भर के आया, देखा हमरे बरकाती टोपी पहने हुए तो चिढ़ाने के लिए सोचा कि बरेलवी मौलवी है, बच्चा होगा ठग लेंगे, हम कहे तू बेवकूफ है, तू ढोरिया समझ के गोहमन पकड़। मेरे पास आया बोला मौलाना कन्हवा कितना दूर है, हम कह लिए कन्हवा, बोला जहां जलसा हो रहा है, हम बोले जहन्नम का गेट 3 किलोमीटर, जहन्नम का गेट। बोला कैसी बात करते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र है, हमने कहा अल्लाह ही रसूल का जिक्र करके करने वालों ने जब ऊंची आवाज किया तो कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, आ तू तो नबी को कहता हमारी तरह तो जहन्नम का गेट नहीं, तो बोला लगता है आप बरेलवी है, हमने कहा टना टन। तब मैंने कहा भाई आप लोग क्या है, तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोग अहले हदीस है। हमने कहा आप अहले हदीस नहीं अलगे हदीस है, अहले हदीस नहीं अलगे हदीस है। तो बोला मौलाना आप लोग खाजा से डरते, हमने कहा डरते, बोला रसूल से, हमने कहा हाँ, मैंने कहा आप लोग नहीं डरते, बोला ना, मैंने कहा किससे डरते, तो हरू पे हल्की की तरह बोलता अल्लाह, लगता है जैसे मिश्री के रत कर रहा है। मैंने कहा किससे डरता, बोला अल्लाह से, हमने कहा अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, बोला ना, हमने कहा पक्का, बोला पक्का, तब मैंने कहा ला तेरे को गोहमन साहब, जैसे ही सांप का नाम लिया चटपटाया, हमने कहा क्या हुआ, बोला मजीर जानवर काटेगा मर जाऊंगा। मैंने कहा ये तेरा अकीदा है, लेकिन जलगारे शोर में सिद्दीक अकबर बैठा है, उसे सांप काटता जा रहा है, सिद्दीक मुस्कुराते चले जा रहे हैं। मैंने सिद्दीक से कहा आपको जान की परवाह नहीं है, तो सिद्दीक ने कहा काटना सांप का काम है और बचा लेना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहिए तो सुनाते हैं सुभान अल्लाह। हजरत फरमाते जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, सुभान अल्लाह, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, सुभान अल्लाह। ये सबको एक यह नाम को सच करता, आप नौजवानों को नबी के नाना का नाम याद नहीं है, दादा का नाम याद नहीं, आ गाना 3 दर्जन सही बोल रहा, मोबाइल जलसे में 2 घंटा नहीं बैठेगा और 11 बजे रात में गांव के सबसे आखिरी पुल पर बैठा रहेगा, लगता है जैसे सीबीआई है जांच में आया हुआ। सुनिए मदीने में शेरे नेपाल, आप तो दीवानों शेरे नेपाल बोलो सुभान अल्लाह, या अल्लाह जितने तालबे इल्म सुभान अल्लाह बोल रहे मौला उन्हें इमाम बुखारी का सदका अता फरमा। हमारे पास तो इससे बढ़ के कोई दुआ है, इमाम बुखारी एक आदमी इमाम बुखारी का नाम लेकर बोला तो हदीस इमाम बुखारी गए, कहा कि हमको पहचानते हो, कहा ना, कहा हमारे नाम इमाम बुखारी है, कहा कि आप ही बुखारा के इमाम बुखारी है, कहा ये हदीस उदीस हमने ये हदीस हमने नहीं लिखी है, तो कहा कि आपने नहीं लिखी है, तो सोचा कि सब नजरानों चला जाएगा, सब समेटा बेटा, कहा कल मुलाकात करते हैं, लेकिन हम जो हदीसे पाक सुनाने जा रहे हैं आपको और जो भी करामत सुना रहे हैं, आपने अपनी निगाहों से शेरे नेपाल को देखा है ना, अरे बोलो भाई देखा है ना, तो सब लोग मेरे साथ एक बार पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बे वतुबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह
हुजूर शेरे नेपाल मदीने में है, हाजी यूनुस जो मुंबई के हैं, वो आने के बाद क्या देखा कि हुजूर शेरे नेपाल फातिहा पढ़ रहे हैं। एक शख्स आया है, आने के बाद एक चादर ली है और लेने के बाद कहता है, हुजूर आप ही का नाम जैश मोहम्मद सिद्दीकी है, आपने फरमाया है। वो चादर दिया, चलने लगा। हाजी यूनुस सोचने लगे, या अल्लाह मदीने में इतने हाजी है, किसी को चादर ना दिया, आखिर मेरे पीर ही को इसने क्यों दिया है, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है, मामला क्या है, चलो इसे देखा जाए। जब वो आगे बढ़े है तो बढ़ने के बाद कुछ दूर गए है तो वो शख्स सामने खड़ा है। आपने उनसे पूछा, ये आने वाला बता, क्या तू मेरे पीर को जानता है, क्या मैं नहीं जानता हूँ, क्या शेरे नेपाल को पहचानता है, क्या नहीं पहचानता हूँ, क्या शेरे नेपाल को कभी देखा है, क्या मैंने नहीं देखा है, क्या फिर चादर क्यों दिया, क्या मैं अपनी मर्जी से नहीं देता, मुझे आदर होता है तब मैं चादर देता हूँ, क्या तुझे किसने आदर दिया है चादर देने के लिए, तो क्या चादर देने के लिए मुझे कोई और ने नहीं कहा बल्कि मेरे मुस्तफा फाने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सैयदुल उलमा, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता क्या चला, आशिक ऐसा हो कैसा हो शेरे नेपाल जैसा। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। और एक करामत अगर इजाजत हो तो और बता दे, तो आप लोग सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा। या अल्लाह जितने सुभान अल्लाह बोल ले सबको मदीना दिखा दे, सुभान अल्लाह। और हाजी अलहाज नासिर मसले के आला हजरत खतीब एशिया व यूरोप हजरत अल्लामा शफीक नायब काजी मोहतरी, जैसा कि मुझको खबर हुई और लोगों ने बताया, दोनों काजी यहीं पर, एक मसला सुन लीजिए, मसला बयान करें तो सुभान अल्लाह नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खादमा रखे हुए थे, कोई आता है तो उससे पूछा जाता कि तुम मसला पूछने आई है कि हदीस सुनने, तो कोई कहता कि मैं मसला पूछने आया, तो इमाम मालिक बोलते बोलो मसला क्या है, मसला बोलता था वो, आप जवाब देते वो चला जाता, जब हदीस की बात आती तो आप खादमा से कहते कि लुबान सुलगाओ, घर को इत्र करो, पूरा घर खुशबूदार करो, आप सर पे इमामा बांधते, उसके बाद एबा पहनते और आकर के हदीसे मुस्तफा सुना देते। पता क्या चला, इमामों के नजदीक जब मुस्तफा के हदीस की इतनी कदर है तो मुस्तफा के मोहब्बत की कितनी कदर होती होगी। सुनिए हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमतो व रिदवान है, परसा की सरजमीन है। परसा कहाँ है आपको मालूम है, काठमांडू से पश्चिम, कहाँ है तो तुमको आता का है ना, गांव आता है ना, नाम आता है। हम देखते हैं इंडिया में, नेपाल में क्या है, जिसको ज्यादा पैसा हो गया वो बेटा का नाम मोहम्मद शफीक नहीं रखे लगा, लड्डू पड्डू अतरू बुतरू तो कुतरू, ये कोई नाम रखता है। इमाम जब हजरत अल्लामा इमाम बाकर के बेटे इमाम हजरत इमाम जैनुल आबेदीन, हजरत जैनुल आबेदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते कि अपने बच्चों का नाम बुजुर्गों के नाम पे रखो, ताकि इससे पता ये चले कि जब तेरा बच्चा बहकेगा तो उनके दुनिया के अंदर बुजुर्ग का फैजान बचा लेगा और कल कयामत में बुजुर्गों के सदके वो बच्चा जहन्नम की आग से बच जाएगा। हम लोग नामे नहीं रखते, प्यार से रखते हैं, उल्लू तो पुल्लू तो सुल्लू। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, हुजूर शेरे नेपाल परसा में कुछ दोबंदियों ने आपस में ये मीटिंग किया कि रात में शेरे नेपाल ने दोबंदियों के खिलाफ तकरीरें की है। हजरत को परेशान कर, उस बेवकूफ को कहा मालूम था कि शेरे नेपाल जमीन पर है, आंखें बंद है तो लहे महफूज नजर आता। सुभान अल्लाह नहीं बोले, लहे महफूज कोई सिलेट ना है, समझ लीजिए, पहले लोहे महफूज वो है जहाँ पे आपका तकदीर सबके सबकी तकदीरें लिखी है। और याद रखिएगा, लोहे महफूज वही देखता है जिसका दिल इश्क मुस्तफा में भुन गया, जल गया, उसी को आला हजरत कहते हैं कबाब आहू मैं भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में। आप तवज्जो से सुनिए, हुजूर शेरे नेपाल के करीब आया, मुरीद बोले लहना लहन लोहना के लिए चलिए। मौलाना जफरे आलम साहब है महानपुर के,
मौलाना जफरे आलम जब गाड़ी लेकर आए, शेरे नेपाल कहते जमाना कैसा, हक बोलने वाले को तड़पाया जा रहा है। ए मौलाना जफर गाड़ी को टन मारो, इसलिए के मुनाफिक खड़ा है। अल्लामा जफर फरमाते हैं, वो कह रहे थे, मुझसे बता रहे थे कि जब मैं गाड़ी लेकर के आया, शेरे नेपाल ने जैसे लोगों का हुलिया बनाया, बताया था वो सामने खड़ा था। जब वो शख्स के करीब मैं गया, मैंने कहा शेरे नेपाल पे हमला करोगे, शेरे नेपाल को मारोगे, शेरे नेपाल को तकलीफ दोगे, शेरे नेपाल को इज्जत पहुंचाओगे। इतना वो शख्स सुना, कहा आपको किसने बताया, कहा शेरे नेपाल ने, कहा ये शेरे नेपाल का जुमला है, कहा शेरे नेपाल का है, ये तर्जो तकल्लुम शेरे नेपाल का है, कहा शेरे नेपाल का है, कहा मारने की जरूरत नहीं, मुझे ले चलो शेरे नेपाल के करीब। जब वो गया है, कदमों में गिरा है, कहा हुजूर मुरीद करके, कहा क्यों मुरीद हो रहे हो, कहा लोहना का जब जैसे मिल्लत ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार नज़मी मियां कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, करामते हुजूर शेरे नेपाल, शहजादे हुजूर शेरे नेपाल, अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी, मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। हाँ वाह वाह, अब जाहिर बात है मौलाना अशरफ के शागिर्द लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोई शायर है, कोई आलिम है, इनके भी मगफिरत का जरिया तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप अपने बेटा ला 7 करोड़ की जमीन दिलवाल जनकपुर में खरीदिएगा, गारंटी नहीं है, जहां कब्र में डाला पीटा पीटा वल चल। और इन्होंने तो ऐसी विरासत दे दी है कि वो पढ़ेंगे, दूसरे को पढ़ाएंगे, दूसरा पढ़ेगा, तीसरे को पढ़ाएंगे, सबका सवाब काजी मोहतरी हजरत अल्लामा अशरफ रजा अमजदी को मिलता है। अब सुन लीजिए एक बात, ये वाकया नहीं बोलेंगे तो पेट हमारा होता है, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो। लोहर पट्टी में मौलाना नईम है, कौन है, नईमुद्दीन, वो कह रहे थे, सुभान अल्लाह बोलिए, भूल गए ना, इतना धीरे से नहीं हो, जोर से बोलिए ना, सुभान अल्लाह। अरे आज बादल को ठंडी को भी पता चल जाए कि ठंडी एक तरफ है, दीवाने है शेरे नेपाल एक तरफ। हमको लेकिन डर एक एक चीज का लगता है, हम जलसा में कुछ बोलते हैं व्हाट्सएप पर कुछ लिखेगा। हाँ हाँ सही बोल, उस दिन व्हाट्सएप पे लिखा तो अल्लामा शफीक ने तो वो खंगाला कि हम लोग तो चिकनी मिट्टी लगाते ही पूरे का पूरा अलकतरे पोत दिए। हमने कहा बढ़िया किए, अब बीच में जब देखे ये अलकतरा पोते हैं तो बीच में हम गिट्टी 2-3 गो ठोक दिए। हमने कहा बंद हो जाए रास्ते, जबरदस्ती का ठेलता, अबे हमसे क्यों लड़ता है बे? लड़ना है तो लर्न मुहद्दिस कबीर से, लड़ना है तो लर मुफ्ती शमशाद से, लड़ना है तो लर अल्लामा सैयद सरकार गुलजार मियां मसौली शरीफ से। गुलजारे मिल्लत फरमाते हैं कि शेरे नेपाल जैसी जात मेरी नजर में कोई जचता नहीं है, अब आइंदा होगा, अल्लाह ज्यादा जानता उसका, मुस्तफा ज्यादा जानता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमको कुछ मालूम है, नेपाल के ताजु शरिया को तुमने खो दिया, तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ, अरे तुम्हें तेरे समाज का लोग नहीं पहचानता। और शेरे नेपाल जब चलते थे तो लगता था आसमान से चांद जमीन पे उतर गया। मैं आपको एक बात हकीकत बता दूं, सुभान अल्लाह, आप सोचिएगा कि मारेला मारेला नहीं, हम आपका फायदा करा रहे हैं। सरकार फरमाते कल के यहाँ बुखारी की हदीस है, ये लोग बयान करते तो हम सुनते हैं तो हम उसी में से बोल देते। बुखारी की हदीस पाक है, सरकार फरमाते कयामत के दिन एक शख्स होगा जिसके पास कोई नेकी नहीं होगी, अल्लाह ताला फरमाएगा तू जहन्नम में जाओ, तो अर्ज करेगा मौला थोड़ी सी मोहलत दे ना, हम थोड़ा सा मांग ले, माँ के पास जाएगा कहेगा अम्मी दे दे, माँ कहेगी भागता है कि नहीं भागता तू, बीबी को कहेगा लड्डन की अम्मा तू ही एक दे दे, बोलेगी हम नहीं पहचानते, तब एगो नेकोकार कहेगा भाई तू नेकी ले ले जन्नत में चला जा, तो बोलेगा कोई नहीं दिया तू दे रहा है तू जन्नत में नहीं जाएगा, तब वो आशिक कहेगा तू जन्नत में जाएगा नेकी की वजह से और मैं जन्नत में जाऊंगा शफात मुस्तफा की वजह से। तभी तो बरेली के आला हजरत कह रहे हैं क्या ईसो कब्जा है, शफात तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुना परहेजगारी वाह वाह, अंगिया है फैज पर टूटे है प्यासे झूम कर, लग दिया पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। हुजूर शेरे नेपाल जा रहे हैं कहां, मुंबई, कहां जा रहे हैं, मुंबई कहां है मालूम है आप, श्रीलंका में, लोग जानता है, अब मुसलमान जग गया है,
जगेगा कैसे नहीं, मुसलमान होश में कब आता है मुर्गा खाने के बाद। भले ये मौली साहब को खाना में क्या खाली भेजेगा, आलू का भुजिया बहुत गोसाया तो एगो पोल्ट्री फार्म वाला अंडा। मौली साहब का तनका गोश्त वोस्त भेजिए ना, तो बाजार से लाएगा एक किलो मुर्गा तो सब लेग पीस अपने खा लेगा, मौली साहब के टिफिन में खाली गर्दन भेज देता है। मौली साहब का ये ठीक नहीं है तो बोलता आप लोग रोज खाते, अब रोज खाते तो तुमने बाप का खाते, हम तो उसका खाते जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। पूरी दुनिया किसका खाती है, मुस्तफा का, लेकिन कुछ लोग खा के नहीं। मैं आपको बता दूं, बात बड़ी लंबी हो गई, एक घंटा तकरीर हो गई, और वो बोले तो हम बेवकूफ है जो और बोले, तनका सुना देते उसके बाद तकरीर खत्म, सुभान अल्लाह बोल दीजिए तब। अल्लामा नईमुद्दीन साथ में है, उधर से वापसी पर गाड़ी पहुंची इलाहाबाद के और बनारस के बीच में एक जगह है सोंधो, क्या नाम है, ज्ञानपुर, उससे आगे सोंधो, उससे आगे मिर्जापुर, उसके बाद है बनारस का बनारस। हजरत आने के बाद फरमाते मौलाना नईमुद्दीन मेरी तबीयत है कि चाय पियू जोर से, नईमुद्दीन बोले ठीक है बनारस में उतरते हैं। जैसे ही बनारस स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हुई उतने ही में मुअज्जिन ने जोहर की अजान दे दी, अल्लाहु अकबर। शेरे नेपाल ट्रेन से उतर गए। मैंने कहा हजरत सफर में है कसर पर लेंगे, हजरत ने फरमाया वक्त मिले ना मिले आप उतर गए। मौलाना नईमुद्दीन से फरमाया वजू के लिए पानी लाओ, हजरत वजू कर ही रहे कि गाड़ी सीटी देने लगी, और जब गाड़ी धक धक की आवाज दिया तो मौलाना नईमुद्दीन का दिल धक धक करने लगा, सोचा ट्रेन छूट गई अब कल घर पहुंचेंगे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि शेरे नेपाल कोई ऐसी जात नहीं है, वो पानी ला के दिया। हुजूर शेरे नेपाल वजू किया, आपसे फर मौलाना नईमुद्दीन से कहा जाओ बाहर से चाय लेकर आओ। आप मौलाना नईमुद्दीन ने कहा हुजूर ट्रेन जाने वाली है, चलिए नमाज पढ़ करके अगले स्टेशन पर चाय पियेंगे। शेरे नेपाल फरमाते हैं जाओ चाय लेके आओ, ये बेचारे का कदम चल नहीं रहा, लेकिन पीर का हुक्म है कदम उठाया। ट्रेन छूटे तो छूटे, पीर का कौल ना छूटने पाए, पीर का हुक्म ना छूटने पाए, पीर का जुमला ना छूटने पाए। वो आदमी चाय लेकर गया, शेरे नेपाल नमाज पढ़ रहे हैं, ट्रेन अप एंड डाउन कर रही है, स्टेशन से आगे नहीं बढ़ रही है, सारे पैसेंजर उतरे हैं, सारे कैप्टन उतरे हैं, सारा ड्राइवर उतरा है, सारे बड़ी कार उतरे हैं, और ट्रेन को चेकअप किया गया, मशीन अच्छी है, ट्रेन अच्छी है, इंजन अच्छी है, डब्बा अच्छे है, फिर ट्रेन चलती क्यों नहीं, सारे लोगों की नजर पड़ी है। शेरे नेपाल खड़े हैं, आपने चाय लिया है, और चाय लेने के बाद जब ट्रेन में गए हैं, ट्रेन खुल गई है, लोगों ने देखा है कि शेरे नेपाल की जुबान जो कहती गई अल्लाह उसे पूरा करता चला गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछ लीजिए मौलाना नईमुद्दीन से जाके लोहर पट्टी, वो कहते मैं साथ में हूँ, पता क्या चला, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूं, जो तुम मुझे अकेले में याद करो मैं फरिश्तों में तुम्हारा चर्चा करूंगा। ये लोगों याद रखना हमेशा अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। और एक बात हमेशा आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप लोग बड़ों के इख्तलाफ में मत पड़ा कीजिए। आप लोग फर्श से मौली साहब पर जो तीर घोप देते हैं, आप अपने अमाल को देखिए, आप शेर नेपाल से मोहब्बत करते हैं तो आप अमीर खुसरू की तरह सोच लीजिए, जन्नत भी लूंगा तो शेरे नेपाल तुमसे, जन्नत भी लूंगा तो तुमसे, प्यार करता हूं तुमसे। नबी फरमाते मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबे रखेगा उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। नौजवानों तुम दुनिया वालों से मुशाबे न रखो, अगर चलना बनाना है, सोचना बनाना है, सोना बनाना है तो तरीका अपना रखो, नकल शेरे नेपाल की कर लो, ऐसा कर लो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को सवार देगा। एक शेर सुन लीजिए जो मुझे याद है, अगर आप इजाजत दीजिए तो सुभान अल्लाह बोल गए तो हम सुनाते, इतना धीरे से नहीं होगा भाई। ज्ञानेंद्र प्रसाद कहते मुख्तसर से मिल जाए जिंदगी मदीने की, सदियों पे भारी है एक घड़ी मदीने की, तुम वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा,
बड़ी मुश्किल से मिलती है हाजरी मदीने की। सुभान अल्लाह। और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वी आर रियलाइज इन रिलीजन इस्लाम हिज स्टार्टेड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेक्लरेशन द हॉडली इस्लाम इन द रीजन ऑफ द अल्लाह। उसने कहा मैं सारी दुनिया की किताबों को देखा लेकिन कुरान की तरह ना पाया, सारे लोगों को देखा लेकिन मोहम्मद की तरह ना पाया। जो मुस्तफा का हो गया सारी कायनात उस बंदे की हो जाती है, जो खुदा का हो जाता है सारी खुदाई उस बंदे की हो जाती है। इसीलिए हम शेरे नेपाल का जिक्र करते हैं कि अल्लाह जिक्र को कबूल कर ले, उनके सदके मेरे मकाम को बुलंद फरमा दे। इसलिए मैंने जो कुछ बयान किया लफ्जन सबन मानन खताए हुई हो उलमाए किराम को और खास करके शहजादे शेरे नेपाल हुजूर अल्लामा मुफ्ती जाउल मुस्तफा अज़हरी को गवाह बनाकर और काजी शहर मोहतरी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा साहब किबला अल्लामा रजाउल मुस्तफा साहब रजाउल्ला साहब मिसबाही अल्लामा शफीक खतीब एशिया व यूरोप हजरत अल्लामा शफीक शमजी तमाम उलमाए किराम को गवाह बना के मैं सिक दिल से तौबा करता हूँ। पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व तूबु अलैही। कलमा शरीफ साउंड बढ़ा के पढ़िए اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله پڑھ لیجئے لا اله الا الله محمد رسول الله اللہ تعالی سب کو شیر نیپال کے صدقے بیماریوں سے محفوظ فرما دے اللہ ہم سب کو شیر نیپال کے صدقے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے اللہ سرکار گدا علی رحم علی بہار علی کے صدقے علماء کرام کے ساتھ ساتھ اس ناچیز کی عمر میں برکت عطا فرما دے یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام